Hello viewers, Assalamualaikum. Munim Akhtar again with a new Excel function which is cell references. जी नाजरीन, आज हम cell references के बारे में जो है वो discuss करेंगे, how to use or how to differentiate between relative and absolute references. Before going to discuss, don't forget to subscribe and share the channel with your friends ताकि आने वाले दिनों में आपको वीडियो जो है वो से मिल सके और आप उनको देख सकें. What is cell reference? This option refers to a range of cells. नॉर्मली आप लोग जब एक्सेल में काम कर रहे हैं तो उस वक्त आप एक सेल्स में एक एरिया में आप फॉर्मूला टाइप करते हैं और आफ्टर दैट उसको फर्दर यूटिलाइज करते हैं. तो इज कॉल्ड रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट इन अ फॉर्मूलास. विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शंस यू कैन फाइंड द वैल्यूज दैट यू वांट लाइक डाटा फ्रॉम वन और मोर कंटीग्यूअस सेल्स. आप एक या एक से ज्यादा सेल्स में से डाटा को जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे उसमें चीजों को एड अप कर सकते. सेकंड ऑप्शन इज डाटा फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ अ वर्कशीट. अब ऐसे भी होता है कि सपोज आपके पास एक सेल वैल्यू है A1 में, दूसरी है आपके पास C12 में और फोर्थ वन है X11 में. तो आप इन तीनों सेल की वैल्यू को आप लोग रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. डाटा अदर वर्कशीट इन द सेम बुक्स. इसके अलावा आप लोगों के पास एक ही वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स होती हैं, उन शीट में आप शीट 1 से शीट 2 से एंड व्हाटसोएवर, तो आप किसी भी एक शीट में से डाटा दूसरी जगह पर कैसे रिलेटिव के थ्रू और एब्सोल्यूट के थ्रू जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी चीजों को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं और फर्दर जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं. हाउ टू यूज द सेल रेफरेंस. देयर आर नॉर्मली टू स्टेप्स. पुट योर माउस कर्सर एट डिजायर्ड सेल्स. कि आप जहां पर हैं यू वांट टू ऐड एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस, जस्ट पुट योर कर्सर ऑन द डिजायर्ड सेल. उसके बाद आपने वहां पर इक्वल का साइन टाइप करना है और जस्ट राइट डाउन द फंक्शन नेम्स एंड गिव द रेफरेंसेस लाइक इक्वल सम इनटू ए A1 plus B1. It means हम लोग A1 में जो वैल्यू है और B1 में जो वैल्यू है उसको हम लोग जो है वो सम करना चाहते हैं. तो अब इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज लेट्स मूव. जी नाजरीन, अब हम इसका प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करते हैं. प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए मैंने एक जो है वो शीट डिजाइन की हुई है. तो उसमें हमने एक कॉलम है रोल नंबर है, उसके बाद हमारे पास मार्क्स हैं तीन सब्जेक्ट्स जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स और कंप्यूटर्स की है, ठीक है. और उसके बाद हम जो है रिलेटिव को यूज करेंगे और फिर हम लोग एब्सोल्यूट को जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे कि हाउ यू कैन यूज और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड द एब्सोल्यूट रेफरेंसेस. जी नाजरीन, अब सबसे पहले जो है हमारे पास अगर हम लोग देखें तो हम लोग चाहते हैं कि वांट टू गेट टोटल मार्क्स अबाउट द थ्री सब्जेक्ट्स. तो उसके लिए हमें सबसे पहले फार्मूला टाइप करना पड़ेगा इज इक्वल. उसके बाद हमें जो इसके लिए फंक्शन यूज होता है उसका नाम है सम और आपने जो स्मॉल ब्रेसेस है उसको स्टार्ट कर और उसके बाद आपने विद द हेल्प ऑफ माउस सिलेक्ट द डिजायर्ड सेल्स ताकि उन सेल की वैल्यू को आप लोग जो है वो. उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और आपने एंटर की प्रेस कर देना है. वो आपने क्या किया जी, आपने इन B1 C8 D8 और E8 सेल में जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपने ऐड कर दी हैं. अब इसी तरीके से आप लोग चाहते हैं कि जो रोल नंबर 2 है 3 एंड सो ऑन उन सब की यू वांट टू कैलकुलेट यूज द एक्सेल. आप इस एंटर्ड जो फंक्शंस है उसको कॉपी एंड पेस्ट मींस कि आपने जहां पर आपने अभी फार्मूला लगाया है उस पर अपना क्लिक करें और उसके राइट बॉटम साइड पर अपना कर्सर लेकर जाएं. या हैव अ लुक आपका कर्सर कब शेप चेंज हो रही है. नाउ इन दिस कंडीशन प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप. हैव अ लुक इस तरीके से एवरी रोल नंबर के अगेंस्ट आपने उनका टोटल मार्क्स जो है वो. दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव. यू कैन सी कि आपने एक जगह पर अब देखिए, अब सपोज हम लोग रोल नंबर 1 को देखना चाहते हैं तो रोल नंबर 1 के फार्मूला बार में देखिए सम C8 और E8. अब हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं रोल नंबर 2 के अगेंस्ट, ऑटोमेटिकली C9 और E9 हो गया. इट्स मीन ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम जो है आपकी रोज और उसको चेंज करता जा रहा है. तो इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होती जा रही है. नाउ वांट टू डिस्कस एब्सोल्यूट रेफरेंसेस. एब्सोल्यूट जस्ट लाइक इज एन अदर टाइप ऑफ रेफरेंसेस नॉर्मली यूज फॉर द स्पेसिफिक वैल्यूज. कि आप लोग यहां पर किसी एक सेल की वैल्यू को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है वो रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस को कैसे यूज करेंगे. नाउ हैव अ लुक, जस्ट गो एंड एंटर द इक्वल साइन. आफ्टर दैट यू वांट टू मेक अ परसेंटेज. तो परसेंटेज के लिए आपने क्या करना है जी, टोटल वैल्यू ले लेनी है. मींस टोटल कौन सी है आपके पास, FA. उसको आपने डिवाइड कर देना है. मींस परसेंटेज का जो फार्मूला है आपने उसको टोटल पे डिवाइड करना है. तो हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं जी, 300. और आपने परसेंटेज लेनी है तो इट्स मीन आपने उसको 100 से जो है वो मल्टीप्लाई
भी करना है। दिस इज द फार्मूला अबाउट द परसेंटेज। तो एक तो वैसे बिल्ट इन फंक्शन है ये, आप अपनी मर्जी से जो है वो वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं। एफ एट मीन्स आपकी टोटल वैल्यू जो उस स्टूडेंट्स ने लिए हैं आउट ऑफ थ्री सब्जेक्ट, एंड पी सिक्स मीन्स आपके टोटल मार्क्स, एंड मल्टीप्लाई बाई 100। सो जस्ट प्रेस द एंटर की है वालो, आपके इसके मार्क्स हो गया जी 70%। नो सेम लाइक रिलेटिव रेफरेंस यू वांट एड दिस फार्मूला टू द अदर सेल्स, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, देयर इज अ प्रॉब्लम। कि आपने देखा नाजरीन कि यहां पर वैल्यू जो है वो डिफरेंशिएट आ रही है, 209% नहीं होती आउट ऑफ 100 होती है। तो इट्स मीन हमारा फार्मूला जो है वो एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम लोग एब्सोल्यूट को यूज करेंगे। तो एब्सोल्यूट में क्या करते हैं जी, कि आप इस सेल की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। रिस्ट्रिक्ट्स मींस, अब जरा देखें, हम यहां पर हमने लिखा है एफ एट डिवाइडेड बाई डी सिक्स मल्टीप्लाई बाई 100। अब हम रोल नंबर टू को देखते हैं, एफ नाइन डिवाइडेड बाई डी सेवन मल्टीप्लाई बाई 100। एफ नाइन तो ठीक है आपकी वैल्यू जो है वो टोटल चेंज हो रही है, लेकिन डी सेवन मीन्स कि यहां पर डी सेवन, तो डी सेवन में तो कोई वैल्यू नहीं है। तो सो दिस इज द प्रॉब्लम अकरिंग हियर, कि हमें वैल्यू जो है वो इररेगुलर मिल रही है। तो हमने क्या करना है, इस डी सिक्स को जो है रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो उसको हाउ यू कैन रिस्ट्रिक्ट, तो जस्ट पुट यूर कर्सर इन द फार्मूला बार एंड क्लिक ऑन द डी सिक्स वैल्यू एंड नाउ प्रेस द एफ फोर। हैव अ लुक, जैसे ही आपने एफ फोर की प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली आपके जो सेल नंबर है उसमें कॉलम और आपके रॉ नंबर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डॉलर साइन आ गया। आपने इसको प्रेस कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। अब इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करेंगे, मींस आप एब्सोल्यूट रेफरेंस की सेल में जाएं और उसको कॉपी पेस्ट करें जस्ट लाइक हैव अ लुक। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।